तीन सेंस इशूज के साथ सैयद इरफान अहमद हाजिर है। तीन सेंस इशूज या नौजवानों की सेहत के मसाइल के हवाले से ये मुकम्मल एक फ्री ऑनलाइन वीडियो कोर्स की सीरीज है और इस कोर्स या इस सीरीज की ये पहली वीडियो है जिसमें हम आपको कुछ बुनियादी बातें नौजवानों की सेहत के मसाइल के बारे में इस कोर्स के हवाले से गोशगुजार करेंगे। सेक्स या जींस का मौजू एक नहायत हसास मौजू है जिस पर बात करते हुए लोग शर्माते और घबराते हैं। मगरिब के बरखिलाफ हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसका जिक्र शजर मजमू है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इंसान की दीगर जरूरियात की तरह जींस भी एक फितरी जरूरत है। जिस तरह इंसान अपनी हर जरूरत पूरी करने के लिए कोशिश करता है और इसके बारे में जानने की तवज्जो करता है, इसी तरह जींस की जरूरत पूरी करने की भी उसकी ना सिर्फ ये कि ख्वाहिश होती है बल्कि वो इसके लिए हाथ पैर भी मारता है। ताहम एक बहुत बड़ा मसला इस सिलसिले में ये है कि लोगों को इस हवाले से दुरुस्त मालूमात नहीं है बनिस्बत दीगर मसाइल के। लेकिन किसी शय से लाइन रहने से इसका वजूद और अहमियत खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उस चीज के बारे में गलत फहमियां और गलत किस्म की आदात और मिजाज रिवाज पाते हैं। यही वजह है कि फितरी जरूरत होने के बावजूद नौजवान, खासतौर पर पाकिस्तानी नौजवान और नौजवानों में भी खासतौर पर लड़के इधर उधर से जींस के बारे में मालूमात हासिल करने की तगादों में रखते हैं। इनमें से कुछ 70 या 100 साल सन्यासी बाबों के दर पर जाते हैं तो बाद बरहना फिल्मों से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। जाहिर है दोनों ही जराए रहनुमा की बजाय रहजन का किरदार अदा करते हैं। जिसके हवाले से तरह तरह के सवालात नौजवानों के जहन में पैदा होते हैं। नौजवान इन सवालात के जवाब चाहते हैं। मुश्तरका खानदानी निजाम यानी फैमिली कंबाइंड फैमिली सिस्टम भी इन सवालात के जवाब दादा दादी नाना नानी वगैरह से मिल जाया करते थे, लेकिन मुश्तरका खानदानी निजाम की तबाही के बाद से अब नौजवान लड़कों लड़कियों दोनों के लिए जींस के बारे में सही मालूमात का हासिल करना न सिर्फ ये कि मुश्किल बल्कि तकरीबन नामुमकिन हो गया है। दूसरी जानिब टीवी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इन सब ने मिलकर जींस के बारे में जो मालूमात फैलाई हैं वो इंतहाई गलत, हकीकत से दूर और गुमराह कुन है। नतीजा नौजवान उलझनों का शिकार हैं, परेशान हैं, भटक रहे हैं, बहक रहे हैं। इन्हीं तमाम चीजों को सामने रखते हुए मैंने आज से तकरीबन 8 साल पहले नौजवानों की जिंसी मसाइल और उनका हल के नाम से एक किताब लिखी थी जो बहुत ज्यादा मकबूल हुई, और इसी किताब को बुनियाद बनाते हुए मैंने ये कोर्स तैयार किया है ताकि नौजवानों को जो सही रहनुमाई अपनी सेहत बिलखसूस अपनी जिंसी सेहत के हवाले से हासिल करना चाहते हैं उन्हें इस कोर्स के जरिए से ये सही रहनुमाई संजीदा अंदाज में फराहम की जा सके। टीन्स हेल्थ इश्यूज या नौजवानों की सेहत के मसाइल फ्री ऑनलाइन वीडियो कोर्स एक बाकायदा कोर्स है, और जैसे कि इसके नाम में भी ये मौजूद है कि ये फ्री कोर्स है। ताहम इसको करने का कुछ तरीका है, जिस तरीके से हर काम को करने का कुछ तरीका होता है। इस कोर्स में बुनियादी मकसद ये रखा गया है कि नौजवानों को उनकी सेहत के पेश आमदा मसाइल के बारे में दुरुस्त रहनुमाई और मालूमात फराहम की जाए, और जो मसाइल उनकी जिंदगी में आते हैं उन मसाइल को हल करने के सिलसिले में उनकी मदद की जाए। इसी हवाले से ये कोर्स तैयार किया गया। इस कोर्स को करने का तरीका ये है कि इस पूरे कोर्स में जो वीडियोस मैंने तैयार की हैं, इन वीडियोस को उनकी तरतीब से देखा और सुना जाए, और बेहतर यह है कि इस कोर्स के दौरान में जो जो वीडियोस आप देखें और सुने
साथ के साथ एक जर्नल या कॉपी आप बना ले, उसमें पॉइंट्स नोट करते चले जाए। चंद वीडियो के बाद एक असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, इस असाइनमेंट को पूर्ण कीजिए। और इस असाइनमेंट को पूर्ण करने के बाद उसके जवाब से, यानी वो जवाब जो हमने किसी न किसी वीडियो में उस असाइनमेंट का फराहम किया होगा, उस जवाब को अपने जवाब के साथ टैली करें, मवाजना करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपके इस वक्त कितने नंबर हैं और इस कोर्स के बारे में आप कितने बेहतर तौर पर जान सके हैं, और अपनी सेहत और अपनी सेहत के मसाइल के बारे में कितनी बेहतर से बेहतर मालूमात आप हासिल करने के काबिल हो पाए हैं। जो नौजवान बकायदा इस कोर्स में शिरकत करेंगे, उनको इस कोर्स की तकमील पर कामयाबी एसोसिएट्स की जानिब से तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट भी फराहम किया जाएगा। बाकायदा इनरोलमेंट का तरीकाकार क्या है, उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इस तरीके से मुझे मेरे फोन नंबर 0333-212-9515 पर पाकिस्तान भर से कॉल करके भी मुझसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये कोर्स मुकल होने के बाद आप सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं, ताहम जो नौजवान इस कोर्स में बाकायदा इनरोल नहीं करते, हमारी ख्वाहिश ये है कि तब भी वो इस मुकम्मल कोर्स की तमाम वीडियोस को देखें और सुनें, ताकि उनके जहन में बहुत सी ऐसी गलत फहमियाँ और गलत मालूमात जो मुआशरे ने, मीडिया ने और बिलखसूस उनके दोस्तों ने उनके अंदर पैदा कर दी हैं, वो ख़त्म हो जाएं और एक सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी गुजार सके। इस कोर्स के जरिए से हमारी भरपूर ख्वाहिश ये है, हमारा मकसद ये है कि नौजवानों के सेहत के उलझनों और परेशानियों को दूर करके उनको एक रोशन मुस्तकबिल और एक सेहतमंद जिंदगी के रास्ते पर गामजन किया जा सके।